नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कॉल आने पर फ्लैश लाइट एक्टिवेट करना और डीएक्टिवेट करना, यानी चालू और बंद। दोस्तों क्या होता है कि किसी के फ़ोन में वॉल्यूम नहीं होता है तो कॉल आने पर उसको पता नहीं पड़ पाता कि मेरे मोबाइल पर कॉल आ रहा है, तो इस कंडीशन में वो अपने मोबाइल फ़ोन में फ्लैश लाइट को एक्टिवेट कर सकते हैं। फ्लैश लाइट मतलब जब कॉल आएगा तो फ्लैश लाइट अप डाउन यानी बंद चालू होगी। दोस्तों गलती से अगर ये एक्टिवेट हो चुकी है, आप इसको बंद करना चाह रहे हैं, तो दूसरा स्टेप वो भी हम आपको बताएंगे कैसे फ्लैश लाइट को बंद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों आपको सिंपल सा जाना क्या है, जब आपकी फ़ोन में फ्लैश लाइट को ऑन करना हो कॉल आने पर, कि कॉल आए मुझे फ्लैश लाइट मेरी अप डाउन यानी चालू बंद हो, तो उसके लिए अपन को सेटिंग के अंदर जाना है। मोबाइल के सेटिंग के अंदर जाएंगे तो नीचे आएंगे, तो यहाँ पर और नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा एक्सेसिबिलिटी। तो आप एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करेंगे, तो एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करने के बाद आपको आना है यहाँ पर पावर बटन के एंड्स की कॉल के बाद आएगा एलईडी फ्लैश फॉर कॉल। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में मोबाइल में वॉल्यूम नहीं है तो आप इसको ऑन कर दें, तो जब भी कॉल आएगा तो आपके फ़ोन में आपकी जो बैकअप फ्लैश लाइट होती है एलईडी वो अप डाउन यानी कि बंद चालू होगी, ठीक है। अगर पहले से एक्टिवेट हो चुका है गलती से तो इसको डीएक्टिवेट कर दें, जिससे क्या होगा कि आपकी कॉल आने पर जो एलईडी फ्लैश लाइट ओपन बंद या चालू होती थी तो वहां पर ये बंद हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।